बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातुवस्सलामुअलैका या खातमन्नबीन। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में बिज़नेस लेटर को डिस्कस किया था, तो अब डायरेक्ट रिक्वेस्ट के बारे में यानी कि बिज़नेस में जो आप रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसकी आउटलाइंस हैं कि ऑर्गेनाइज़ करने का तरीका, फिर आइडिया मेन और ये सारी चीज़ें, ऑर्डर लेटर, कस्टमर लेटर, रिक्वेस्ट, क्लेम एंड एडजस्टमेंट, इनको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले देखें फॉर ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्ट रिक्वेस्ट, ऑर्गेनाइज़ कैसे करते हैं। स्टेट द रिक्वेस्ट और मेन आइडिया, अपने मेन आइडिया वही होगा ना जो आपकी रिक्वेस्ट है, जो आपने करनी है यानी कि जो सीख करनी है चीज़, वो मेन आइडिया होगा। गिव नेसेसरी डिटेल्स, फिर ज़रूरी डिटेल्स बताएं उसके साथ। क्लोज विद अ कॉर्डियल रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक एक्शन, यानी कि जैसे लेटर में हम यूज़ करते थे ना वर्ड यो सिंसियरली, ऐसे कॉर्डियल एक्सप्रेशन के साथ, ऐसे रिक्वेस्ट को भी आप कॉर्डियल एक्सप्रेशन के साथ क्लोज करें। डायरेक्ट रिक्वेस्ट, दिस अप्रोच वर्क्स वेल व्हेन योर रिक्वेस्ट रिक्वायर्स नो स्पेशल टैक्ट और पर्सुएशन। जब आपकी रिक्वेस्ट में कोई पर्सुएशन नहीं होते, यानी किस चीज़ के लिए आप परसू नहीं कर रहे होते, कोई टैक्ट्स वगैरह नहीं होते, तो अब कब कौन सा, तब आप ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट का फॉर्मेट यूज़ करते हैं, ठीक है, ये वाला मेथड डायरेक्ट रिक्वेस्ट वाला यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखें, एच के बी स्टोर मैनेजर्स आर सर्टनली इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग लेविज इंक्रीज सेल्स। ये स्टोर के मैनेजर्स जो है ना, एच के बी वट एवर जो भी नाम है स्टोर का, अच्छा, लेविज इंक्रीज सेल्स की हेल्प करने के लिए वो सर्टनली इंटरेस्टेड हैं, यानी कि यकीनी तौर पर उनमें उनको इंटरेस्ट है उनकी हेल्प करने में। जस्ट एज डिस्ट्रीब्यूटर्स आर इंटरेस्टेड इन फाइलिंग द एच के बी ऑर्डर, बिल्कुल ऐसे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर फाइल करने में इंटरेस्ट होता है ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, अपनी कंपनी का, ऐसे ही उनको उनकी हेल्प करने में इंटरेस्ट है, वैसे ही उनको उनकी हेल्प करने के लिए वो आप कह सकते हैं एंग्शियस हैं, ठीक है। मेन आइडिया ऑफ द रिक्वेस्ट, अब रिक्वेस्ट का आइडिया दे। जनरल रूल फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डायरेक्ट रिक्वेस्ट इज नॉट ओनली टू बी अंडरस्टूड बट आल्सो बी वॉइड बीइंग मिसअंडरस्टूड। जनरल रूल डायरेक्ट रिक्वेस्ट का ये नहीं है कि आप मेन आइडिया से अंडरस्टैंड कर लें मेन आइडिया को, मेन बात को, लेकिन इधर ये भी है कि आप अवॉइड करें किस बात को, भला मिसअंडरस्टैंडिंग को, कि कोई ऐसी चीज़, ऐसी बात आप ना लिख दें कि जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग का ज़रा भी शायबा हो। आपने अंडरस्टैंड नहीं करवाना, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग से भी बचाना है। ये दो काम आपने करने हैं रिक्वेस्ट के फर्स्ट पार्ट में। बी अवेयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अ पोलाइट रिक्वेस्ट इन क्वेश्चन फॉर्म विच रिक्वायर्स टू क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन दैट इज़ पार्ट ऑफ रिक्वेस्ट। एक आप कुछ चीज़ मांग रहे हैं यानी कि क्वेश्चन फॉर्म में कुछ पूछ रहे हैं, और एक में आप कुछ चीज़ सीख कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस डिफरेंस से आप भी अवेयर रहें, यानी कि इस डिफरेंस से आप अवेयर रहें, इससे आगाह रहें। एग्जांपल देखें, पॉलिटिकल रिक्वेस्ट इन क्वेश्चन फॉर्म, सॉरी पॉलिटिकल, हाँ पॉलिटिकल रिक्वेस्ट ये क्वेश्चन फॉर्म में, और दूसरी क्वेश्चन दैट इज़ पार्ट ऑफ रिक्वेस्ट। एग्जाम्पल देख के क्लियर करते हैं हम। वुड यू प्लीज़ हेल्प अस डिटरमिन वेदर कैट किंग से इज अ सूटेबल एप्लीकेंट फॉर पोजिशन एज लैंडस्केप डिज़ाइनर। वो उसे पूछ रहा है कि क्या आप हमारी ये डिटरमिन करने में, ये पहचानने में हमारी मदद कर सकते हैं क्या कि कैट किंग से जो है वो सूटेबल एप्लीकेंट है इस लैंडस्केप डिज़ाइनर के लिए, यानी कि वो ठीक है उसको हायर कर लें या नहीं। वो ये उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन फॉर्म देखें, डिड कैट किंग से डेमोस्ट्रेट टू वर्क स्मूथली विद क्लाइंट। अब इसमें सीधा उसने उसके डीलिंग पे क्वेश्चन पूछ लिया कि कैट किंग से जो डीलिंग है क्लाइंट के साथ वो स्मूथली कर लेता है, वो डेमोस्ट्रेट कर लेता है वर्क को, इसको स्मूथली कर लेता है यानी कि। अब इधर उसने पॉलिटिकली उससे आप क्या आप हमारी ये डिटरमिन करने में मदद कर सकते हैं कि वो लैंडस्केप डिज़ाइनर के एप्लीकेंट के लिए सूटेबल है या नहीं। अब देखें ना, पॉलिटिकल रिक्वेस्ट किया पॉलिटिकल फॉर्म में, यानी कि आप सियासत को आप ऐसे कहते हैं ना कि आप थोड़ा घुमा फिरा के सियासी तरीके से बात कर रहे हैं, तो यहाँ सिंपल उसने क्वेश्चन ये किया है कि पार्ट ऑफ रिक्वेस्ट है कि आप हमारी डेमोस्ट्रेट कर सकें कि वो स्मूथली वर्क कर सकते हैं क्लाइंट के साथ या नहीं। जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन एंड डिटेल्स इन द मिडिल सेक्शन। अब फर्स्ट सेक्शन में ये हो गया, मेन आइडिया आप करेंगे एक्सप्रेस, मिडिल सेक्शन में आप क्या करेंगे नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कॉल अटेंशन टू हाउ द रीडर विल बेनिफिट फ्रॉम ग्रांटिंग योर रिक्वेस्ट। आपकी रिक्वेस्ट से रीडर को फ़ायदा कैसे हो रहा है, ये चीज़ पहले आप अटेंशन, इस चीज़ की तरफ अटेंशन अपनी करें। और गिव डिटेल्स ऑफ योर रिक्वेस्ट, अपनी रिक्वेस्ट की डिटेल बताएं। आस्क द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट, देन आस्क रिलेटेड मोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका क्रक्स है, जो आप पूछना चाह रहे हैं वो आप पूछें, उसके बाद रिलेटेड स्पेसिफिक जनरल वो बाद में फिर आपके आते जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ऑर्गेनाइज तरीके से। यूज़ नंबर्ड लिस्ट व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग सेवरल आइटम्स और आंसर्स।
जब आप ज़्यादा चीज़ें पूछते हो तो नंबर्स लिस्ट, जैसे ये 1 2 3 4 लिखा है, ऐसे नंबरिंग वाली आप लिस्ट यूज़ करें। ऑर्डर लेटर, एंड ऑर्डर लेटर इज ऑल्सो नोन एज अ पी ओ और परचेजर ऑर्डर लेटर। ठीक है, पी ओ को भी कहते हैं परचेजर ऑर्डर, तो इस तरह इसको ऑर्डर लेटर को पी ओ भी कहते हैं, पी ओ लेटर यानी कि परचेजर ऑर्डर लेटर भी कहते हैं, या फिर ऑर्डर लेटर भी कहते हैं। इट बिगेंस द पेपर ट्रायल ऑफ अ स्पेसिफिक परचेज, पेपर ट्रायल को एक स्पेसिफिक परचेज यानी कि परचेज आप कहते हैं ना किसी खरीद से, ये शुरू होता है जब ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्डर लेटर टू प्रोवाइड द वेंडर विद डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर फुलफिलिंग एन ऑर्डर। वेंडर कहते हैं कि जो आप कह लें कि जिसको आप कर रहे हैं, जिसको आप परचेज करना चाह रहे हैं, वेंडर को वेंडी प्रोवाइड करता है पी ओ में यानी कि परचेजर ऑर्डर लेटर में डिटेल इंस्ट्रक्शन किस चीज़ की, उसके ऑर्डर को फिलफिल करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है, हदायत है, गाइडलाइंस है, वो वेंडर को वेंडी प्रोवाइड करता है पी ओ में। ओके, प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डर लेटर्स आर लाइक गुड मेल ऑर्डर फॉर्म्स ऑल्दो दे मे प्रोवाइड मोर रूम फॉर एक्सप्लेनिंग स्पेशल नीड्स। अब प्लेसिंग ऑर्डर जो है वो पी ओ से ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी होते हैं, क्यों, क्योंकि वो लिखा हुआ है कि ये ज़्यादा प्रोवाइड मोर रूम फॉर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए ज़्यादा जगह फ्राहम करते हैं। वेन प्लेसिंग एन ऑर्डर यू डू नॉट नीड टू एक्साइट जो रीडर्स इंटरेस्ट, जब आप ऑर्डर प्लेस्ड कर रहे होते हैं यानी किस चीज़ का ऑर्डर दे रहे होते हैं, तो आपको आपके रीडर के इंटरेस्ट के को एक्साइट करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट स्टेट योर नीड्स क्लियरली एंड डायरेक्टली। फिर आपने क्या करना है, सिर्फ आप बता दें कि आपको ये चीज़ें चाहिए, आपको उसको रीडर का इंटरेस्ट आपको सीख करके क्या करना है, यानी कि इंटरेस्ट तो तब सीख करते हैं ना जब आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट हो कि वो आपकी जो राइटिंग है उसको देखेगा, या अगर आपने उसको अपनी तरफ अटैक करना हो, कुछ अटेंशन सीख करनी हो। बट जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उसमें आपने क्या बताना है उसको, आपने जो चीज़ें चाहिए रिक्वायर्ड है आप उसको सिंपली वो बता दें, ये तो उसको खुद रीडर को ज़रूरत है ना कि आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो वो खुद ही अटेंटिवली आपकी तरफ होगा, अटेंटिवली आपको आपको करेगा यानी कि आपको डील करेगा। अ रिक्वेस्टिंग रूटीन इंफॉर्मेशन एंड एक्शन, देन मेकिंग अ रूटीन रिक्वेस्ट आस्क योरसेल्फ व्हाट डू यू वांट टू नो व्हाई इट इज़ इन रीडर्स इंटरेस्ट टू हेल्प यू। कि रूटीन की कोई रिक्वेस्ट बना रहे हैं यानी कि आप ऐसे समझे, इसकी छोटी एग्जांपल आप लें कि आप अपने किसी कोलीग के साथ आपको कोई काम है, रूटीन वाइज आप उसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप इन दो क्वेश्चन पर फिर गौर करें कि आपको जानना क्या है और रीडर आपकी हेल्प करने में इंटरेस्टेड है या नहीं। वो इंटरेस्टेड डेफिनेटली तब होगा ना जब वो भी बेनिफिशरी होगा आपकी उस रिक्वेस्ट का। रिक्वेस्ट टू कंपनी इनसाइडर्स, अ रिक्वेस्ट इन मेमो फॉर्म, मेमो आपको पता है कि इनसाइड पे जब ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड आप कम्युनिकेशन के लिए जो चीज़ करते हैं वो मेमोरेंडा है, मेमो है, मेमोरेंडम हम उसको कहते हैं। प्रोवाइड द परमानेंट रिकॉर्ड इनसाइड, जो रिक्वेस्ट हैं वो क्या क्या करती हैं, रिक्वेस्ट मेमो परमानेंट रिकॉर्ड आपको प्रोवाइड करेगा, सेव टाइम्स एंड क्वेश्चन, टेल्स प्रिसाइजली व्हाट इज़ नीडेड, प्रिसाइज तरीके से आपको बता देगा कि आपको क्या रिक्वायर है, क्या नीड है आपकी। द बेसिक रिक्वेस्ट इज स्टेटेड एट द बिगनिंग, डेफिनेटली ऊपर जैसे हमने पढ़ा मेन पॉइंट है, जो आपकी मेन रिक्वेस्ट है, बेसिक फंडामेंटल रिक्वेस्ट है, वो आप स्टार्ट में उसको स्टेट करें, बिगनिंग पे स्टेट करें। द नेक्स्ट टू पैराग्राफ एक्सप्लेन द प्रॉब्लम दैट मेड द इंक्वायरी नेसेसरी, एंड द फाइनल पैराग्राफ रिक्वेस्ट एक्शन एंड विद द बोल्ड इन क्वेश्चन मेक्स अ रिस्पॉन्स डे। ये रिक्वेस्ट कंपनी इनसाइडर यानी कि मेमोरेंडा फॉर्म में जो रिक्वेस्ट होगी ये उसके इंग्रेडिएंट्स आप समझ लें। ठीक है, एग्जांपल देखें मेमो की, द मेमो बिगिंस विद द सेंट्रल क्वेश्चन, अ लिटिल बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ओरिएंट्स द रीडर। मेमो को आप जो आप अगर रिक्वेस्ट मेड कर रहे हैं विद एन ऑर्गेनाइजेशन विद एन कंपनी, तो उसको कहेंगे पहले तो मेमो रिक्वेस्ट, ये बात आपको क्लियर है। अब मेमो रिक्वेस्ट को कैसे डिज़ाइन करेंगे, सेंट्रल क्वेश्चन से उसको स्टार्ट करें और फिर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे थोड़ी बहुत जो रीडर को ओरिएंट कर दे यानी कि उसको फोकस कर दे एक चीज़ पे। द नंबर्ड क्वेश्चन फोकस ऑन रिस्पॉन्स सो दैट दे विल बी ईजियर टू टोटली, यानी कि नंबर क्वेश्चन पूछें जैसे ऐसे पूछा हुआ कि क्वेश्चन नंबर 1 या 2 या, ताकि वो आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर भी कर सके, एक एक क्वेश्चन का को ब्रीफली रिस्पॉन्स कर सके। कस्टमर सर्विस रिक्वेस्ट कैसी होती है, इट इज़ अ डिपार्टमेंट और फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट रिस्पॉन्स टू इंक्वायरीज और कंप्लेंट्स फ्रॉम कस्टमर ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि कस्टमर जो हैं आपसे कंप्लेन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या आपसे कोई अपनी क्वेरी के बारे में पूछते हैं, तो आपने उनको रिस्पॉन्स करना होता है, इसको कहते हैं कस्टमर सर्विसेज। कस्टमर्स में कम्युनिकेट इन पर्सन और वाया रिटन कॉरेस्पॉन्डेंस, या तो वो किसी पर्सन के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करेंगे, या कोई रिटन मेल या कोई लेटर से या रिक्वेस्ट से आपसे कम्युनिकेट करेंगे, या टॉल टेलीफोन एक्सेट्रा से आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं जो आपके कस्टमर्स हैं।
सो वेरियस टेक्निक्स आर यूज टू जनरेट कॉरेस्पॉन्डेंस बैक टू द कस्टमर. अब कस्टमर्स को कॉरेस्पॉन्ड करने के लिए, उनको बैक रिस्पॉन्स करने के लिए टेक्निक्स वेरियस यूज की जाती हैं. कौन कौन सी बला इंक्लूडिंग चेकलिस्ट, फॉर्म लेटर्स, टाइप रिटन लेटर्स, कंप्यूटर लेटर्स, फिल इन टाइप और कंप्यूटर जनरेटेड पर्सनलाइज लेटर. टाइप रिटन लेटर्स आर बेस्ट फॉर इरेट कंप्लेंट्स और स्पेशल सिचुएशन. यानी कि आप कोई कंप्लेंट डील करते हैं, आप अपने हर कस्टमर को कहते हैं कि आप अपना फीडबैक प्रोवाइड करें. अब वो फीडबैक आपको, ये तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे सोलली डिपेंड करता है ना कि किस वे में वो कस्टमर सर्विसेज केयर जो है वो प्रोवाइड करती है आपको. जिस तरह से प्रोवाइड करेगी उस तरह से आपने उसको करके तो इस तरह से कॉरेस्पॉन्ड करना है अपने कस्टमर्स को. कंप्यूटर लेटर्स कंबाइन द बेनिफिट ऑफ पर्सनलाइजेशन विद द एफिशिएंसीज ऑफ ऑटोमेशन. यानी कि वो कह रहा है अगर कंप्यूटर लेटर है तो वो ऑटोमेशन, ऐसे बाज होते हैं आप किसी को मेल करें तो ऑटोमेटिकली वो आपको, अगर कस्टमर आपको मेल करता है ना तो आपने एक ऑटोमेटिक मेल सेट की होती है, थैंक्स, फॉर्मली थैंक्स, वो उसको खुद ही जब उसकी मेल आएगी फ़ौरन ही वो उसको सेंड हो जाएगी. यानी कि आपको उसके लिए कोई एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगी, वो आपकी ऑटोमेशन आपने उसमें सेट आउट की होगी तो वो खुद ही उसको सेंड हो जाएगी एक थैंक्स की मेल, ठीक है. और उसमें आप उसको ये भी बता सकते हैं कि आप वेट करें, जब आप आपकी मेल देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है. यानी कंप्यूटर लेटर्स में क्या आप ऑटोमेशन सेट करके आप ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी से बच सकते हैं, ये बताया जा रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट इज कंस्टमर सर्विसेज क्रॉसपेंडिस में भी लेटर हेड और पोस्ट कार्ड फॉर्मेट, ठीक है. लेटर हेड ऊपर हमने कंप्यूटर का जिक्र किया, कंप्यूटर लेटर के फॉर्म में होते हैं, लेटर हेड के फॉर्म में, पोस्ट कार्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं. और कस्टमर सर्विसेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फुलफिलमेंट फंक्शन एंश्योरिंग दैट कस्टमर विल बाय अगेन एंड और कंटिन्यू टू बी गुड कस्टमर. डेफिनेटली उनका फीडबैक, उनका रिस्पॉन्स ही बताएगा ना. अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, और वो आपको बताएंगे कि ये आपके लैक्यूनाज हैं, ये आपके प्रोडक्ट्स में हमें डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ी है, ये भी प्रॉब्लम्स आपके प्रोडक्ट के साथ, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं. यानी कि कस्टमर सर्विस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी कंपनी का. इसके बगैर आपकी कंपनी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती. स्ट्रक्चर ऑफ कस्टमर लेटर, अब कस्टमर लेटर का स्ट्रक्चर देखें. द ओपनिंग पैराग्राफ स्टेट द रीजन फॉर लेटर. ओपनिंग पैराग्राफ लेटर की रीजन स्टेट करेगा कि आप क्यों लिख रहे हैं, आपको कोई उनसे शिकायत है, आपने कोई उनसे प्रोडक्ट खरीदी है वो उनके जो क्लेम्स थे उसके मुताबिक नहीं आई, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ी है, या वो फॉल्टी प्रोडक्ट था, या जो भी है आप उसकी रीज़न पहले पैराग्राफ में स्टेट कर देंगे. द फ्रैंक रिक्वेस्ट शुड अरोज क्यूरियसिटी एंड इनकरेज अ फ्रैंक रिस्पॉन्स. इनकी क्यूरियसिटी कहते हैं उसमें तजस्सुस, अगर आप फ्रैंकली बात करेंगे तो वो फ्रैंकली आपको रिस्पॉन्स कर सकेंगे. एक फ्रैंक इन सेंस कि आप ज़्यादा इनफॉर्मल भी नहीं हो जाना, फ्रैंक इन अ मैनर ऑफ फॉर्मेलिटी, ओके. द रिक्वेस्ट फॉर एक्शन शुड बी डिवाइज फॉर अनकवरिंग ट्रबल विदाउट एक्चुअली सजेस्टिंग दैट देयर माइट बी ट्रबल. तो आप जो उनको डिवाइस कर रहे हैं, आप जब कोई ट्रबल फेस कर रहे हैं तो आप उनको वो बता दें और उनको सजेस्ट कर दें कि आप इस चीज़ को ऐसे आप अपनी कंपनी में बेहतरी ला सकते हैं, ऐसे आप रिफॉर्म्स कर सकते हैं इस प्रोडक्ट में, या व्हाटएवर जो ट्रबल आपने फेस की उसकी सजेशन आप उनको दे सकते हैं गुड मैनर में. द एक्चुअल रिक्वेस्ट फॉर एक्शन इज लेफ्ट अनस्टेटेड अनटिल द एंड सो दैट इट लीव्स एन इम्प्रेशन. तो आपकी रिक्वेस्ट अनस्टेटेड रह जाएगी तब तक जब तक आप एंड पे कोई लास्ट पे अपनी रिक्वेस्ट की कोई इंप्रेशन लीव नहीं करेंगे. यानी कि लास्ट पे आपको इम्प्रेसिव उसका लास्ट नोट्स देने हैं ताकि आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको कंसीडर किया जाए और उसको आप कह लें कि इम्प्लीमेंट भी किया जाए, आपको उसका पॉजिटिवली रिस्पॉन्स इन अ मैनर ऑफ एक्शन, यानी कि आपको अमली तौर पर उसका जवाब मिल सके. क्लेम लीगल डिमांड और एजेशन बाय अ क्लेमेंट फॉर कंपनसेशन पेमेंट और रीएम्बर्समेंट फॉर अ लॉस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट और इंजरी ड्यू टू नेग्लिजेंस. क्लेम कहते हैं कि आपने लीगल डिमांड, यानी कि आप किससे लीगली डिमांड कर रहे हैं, बाय कोर्ट आप कह लें या बाय एनी आप ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी कह लें, जिससे आप उसको लीगली वो आपको कंपनसेट करें. यानी कि आपका आप कंपनसेट करना का मतलब होता है आपका जो नुकसान हो उसको पूरा करें, आपको पे करें, रिइंबर्समेंट करें आपकी, आपके लॉस की, यानी कि आपका जो खसारा है आपका नुकसान है उसको भरे जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है. मीन्स अगर आप कस्टमर केयर की हम एग्जांपल लेते हैं कस्टमर सर्विसेज की, कि आपकी कंपनी एक चीज़ की श्योरिटी देती है, आप गारंटी देते हैं कि यह प्रोडक्ट है. मीन्स आप कर लें कि आपने अगर कोई लैपटॉप सेल किया है 70-80,000 का, तो आपकी कंपनी ने श्योरिटी दी है कि जो आपकी कंपनी या लैपटॉप सेलर है, यानी कि लैपटॉप बनाती है या परचेज करती है, व्हाटएवर वेंडर ने श्योरिटी दी है कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई
ये एक कॉन्ट्रैक्ट आप कहने जो गारंटी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है ना, कि वो पहले श्योरिटी देते हैं कि इतने, जैसे आप कोई भी चीज़ लाते हैं उसकी साल की, 6 माह की, 2 साल की, 10 साल की गारंटी होती है, वारंटी कार्ड जिसको आप कहते हैं, तो वो बताते हैं कि इतने टाइम में हो जाए तो हम आपको आपका लॉस जो है कंपनसेट करेंगे। और अगर वो कंपनसेट नहीं कर रहे कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी, तो आप क्या करेंगे, क्लेम करेंगे उस लॉस का। वो जो लीगल डिमांड होगी या लीगल क्लेम हो गया ना, जो लीगली आप डिमांड करेंगे कि इसने वादा किया था और ये पूरा नहीं करा, उस लीगल डिमांड को आप क्लेम कहते हैं, ठीक है। आगे एडजस्टमेंट्स क्या होता है कि इफ़ इट इज़ सॉरी इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग एंड सेटलिंग क्लेम्स और द अमाउंट रिक्वेस्टेड बाय अ पॉलिसी होल्डर और क्लेमेंट बिकॉज ऑफ लॉस डैमेज। अब एडजस्टमेंट ये है कि जिसमें आपने क्लेम, अगर आपने कोर्ट में क्लेम किया तो कोर्ट आपके एडजस्टमेंट करेगी, किसी ट्रिब्यूनल में, किसी अथॉरिटी को जिसके सामने भी आपने क्लेम किया है तो वो आपके एडजस्टमेंट करेगी। एडजस्टमेंट क्या, यानी कि पॉलिसी है, वो होल्डर है, आपने जिस कंपनी से प्रोडक्ट बाय की और आप कस्टमर हैं, कंप्लेनेंट हैं, आपने क्लेम किया, आपको डैमेज हुआ है, लॉस आपने सफ़र किया है, आपके दरमियान और उस पॉलिसी होल्डर के दरमियान एक एडजस्टमेंट करेगी, एक आप कह लें कि आपके मामले को रफा दफ़ा करेगी, जो मसला है आपका जिस पे दोनों पार्टीज़ एग्री हो जाएं, उस वो ऐसा कोई फ़ैसला देगी, उसको कहते हैं एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट लेटर इज रिटन टू ऑफर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉज ऑफ डिससेटिस्फेक्शन एंड प्रिपेयर द नेसेसरी एक्शन, ठीक है। एडजस्टमेंट लेटर में क्या होगा कि आपकी जो कॉज ऑफ डिससेटिस्फेक्शन है क्लेमेंट की, जिस चीज़ से वो डिससेटिस्फाई है, जो उसको लॉस हुआ है या डैमेज हुआ है या इंजरी उसने फेस की है, उसकी कॉजेज लिखेगी और मेन पर्पज़ उसका क्या है, नेसेसरी एक्शन जो उसने लेना है एडजस्टमेंट ने, ठीक है। अगर वो कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, जो भी है, वो नेसेसरी एक्शन उसका एडजस्टमेंट लेटर में होगा। एडजस्टमेंट लेटर इज़ अ लेटर इन आंसर टू अ कंप्लेनेंट लेटर, ठीक है। ये बात तो ऑब्वियस है कि कंप्लेनेंट लेटर डेफिनेटली किसी को इंजरी है, किसी को मसला बना है, किसी पॉलिसी मेकर से, पॉलिसी होल्डर से, या किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी कंपनी से, उसने कोई प्रोडक्ट खरीदे, उसको प्रॉब्लम हुआ है ना, तो उसने कंप्लेंट की है, कहाँ भी की है, कोर्ट में कर दी है, किसी अथॉरिटी में, ट्रिब्यूनल, जहाँ भी किया है। अच्छा, अब उसकी कंप्लेंट लेटर के रिस्पॉन्स में उसको एडजस्टमेंट लेटर मिलेगा, जिसमें उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगी उसके डिससेटिस्फेक्शन की और नेसेसरी एक्शन होगा जो टेकन करना होगा, जो टेक करना होगा। द आंसर में आइदर बी अ रिफ्यूज़ल और अ ग्रांट, ठीक है। रिफ्यूज़ल भी हो सकता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका वारंटी एक्सपायर हो गया है, अब वो पॉलिसी होल्डर जो है इसके लिए आपको लायबल नहीं है, आपने जो लॉस सफ़र किया है वो लायबल उसके लिए नहीं है, क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ही वाइड हो गया था, या कॉन्ट्रैक्ट की आप कह लें एक्सपायर हो गया, उसकी टेन्योर ख़त्म हो गया, टाइम ड्यूरेशन ख़त्म हो गया, तो वो रिफ्यूज़ करेंगे ना आपसे, यानी कि आप इसके लिए आप कंपनसेट करने किए जाने के काबिल नहीं हैं, आपसे रिफ्यूज़ल हो जाएगा, ठीक है, एडजस्टमेंट लेटर में। और अगर आप इसका, आपको कंपनसेट किया जाना चाहिए, तो फिर आपको वो चीज़ ग्रांट कर दी जाएगी। ये दो ही चीज़ें होंगी एडजस्टमेंट लेटर में, ठीक है। एक तो बात याद रखनी है, एडजस्टमेंट लेटर है कंप्लेंट लेटर के रिस्पॉन्स में होगा, और उसमें या तो रिफ्यूज़ल होगा या ग्रांट होगी, ठीक है। रिक्वेस्टिंग क्लेम्स एंड एडजस्टमेंट्स, क्लेम फॉर्मल कंप्लेंट्स, एडजस्टमेंट क्लेम सेटलमेंट, ठीक है। कि क्लेम आप करते हैं कोई चीज़ डिमांड करने के लिए, फॉर्मल कंप्लेंट्स आप, और एडजस्टमेंट जो है वो क्लेम की सेटलमेंट के लिए होता है, जो एडजस्टमेंट लेटर है, ठीक है। ये बात तो आपको वैसे क्लियर होगी। यू आर एंटाइटल टू रिक्वेस्ट एंड एडजस्टमेंट वेन एवर यू रिसीव अ प्रोडक्ट और एक्सपीरियंसिस सर्विस दैट डज नॉट लिव अप द सप्लायर स्टैंडर्ड। डेफिनेटली आपको कंप्लेन तभी करना पड़ेगी ना, जब उसने आपसे बातें बड़ी बड़ी की हैं कि ये भी आपको दिया जाएगा, ये भी, ये भी, तो वो उसके जो सप्लायर का जो स्टैंडर्ड है वो अपने स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतर रहा, वो अपने क्लेम से पूरा नहीं उतर रहा, तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको सफ़र करना पड़ेगा, ट्रबल आपको फेस करना करेगी, तो तभी आप कंप्लेन करेंगे ना, तो उसके रिस्पॉन्स में आपको एडजस्टमेंट लेटर मिलेगा। ये एग्जाम्पल है, कंप्लेन लेटर है, इसको हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे ओपन करके न्यू टैब में, अगर ये ओपन हो गया, यहाँ पे कॉपीराइट वगैरह का इशू ना हुआ तो देखते हैं हम इसको, हो गया। बैटर विजेट मेकर, अच्छा इसने ये सैम्पल एडजस्टमेंट लेटर, एडजस्टमेंट लेटर का सैम्पल है, कंप्लेन उसने कोई नहीं दी हुई, हमें सिर्फ एडजस्टमेंट लेटर ही प्रोवाइड किया, तो इसको देखें, February 20, 2004, ये उसका सारा फॉर्मेट है जो लेटर का होता है, हम लेटर पढ़ के आए हैं पिछले लेक्चर्स में। अब उसने ये उसको किया, डियर मिस्टर डैंडे, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपोलो, इसको हम देखते हैं, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपोलोजाइज फॉर द इनकोरेक्ट शिपमेंट ऑफ विडगेट्स एंड द डिले इन द शिपिंग द ऑर्डर। उसने कोई ऑर्डर किया होगा, वो उसको डिले हो गया होगा, पहुँचने में देर हो गई होगी, वो साथ उसमें लेटर लिख लिया एडजस्टमेंट लेटर, इट वॉज अवर मिस्टेक। अब उसने अपनी गलती सॉल ली, मान ली, साल ली, उसने कहा कि ये हमारी मिस्टेक थी, हमारी गलती थी। अब डिलेक्स येलो विगेट्स दैट यू ओरिजिनली ऑर्डर वाई शिप्ड आउट
फ्लाइट फ्री टूडे वगैरह, आज वो हो गया शिफ्ट आउट कर दिया, यानी कि आज आपको भिजवा दिया गया है। यू शुड रिसीव दैम टुमारो, आपने कल को उसको ये इस टाइम में यहाँ पे उस आपको डिलीवरी हो जाएगी, आपने उसको रिसीव कर लेना। वी वैल्यू योर बिजनेस, अब देखे ना वो किस तरीके से उसको सेटिस्फाई कर रहा है। वी वैल्यू योर बिजनेस एंड ट्रस्ट दैट यू विल फाइंड दिस एक्शन सेटिस्फैक्ट्री। अब वो कह रहा है आपके बिजनेस को, आपके ऑर्डर को हमने वैल्यू दी है और अब हमने अपोलोजाइज भी कर लिया और ये भी मान लिया कि ये हमारी मिस्टेक है। फिर एडिशन पे उसने अपने ये इतने डॉलर्स या इतने डॉलर जो कॉस्ट वगैरह हुई है वो लिखा है। आगे सिंसियरली उसने नीचे फॉर्मल जो हमारा एंडिंग है वो भी कर दिया, ठीक है। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव फ्रैंक थॉम्पसन, बट जो भी उसका नाम है सिंसियरली लिखे उसने वो फॉर्मल एंडिंग भी कर दी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्रेडिट रिक्वेस्ट। इन द इट इज़ द टाइप ऑफ रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट और रिटर्न मेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश्ड और प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय द क्रेडिटर फॉर द टाइप ऑफ क्रेडिट रिक्वेस्टेड। क्रेडिट रिक्वेस्ट का जो प्रोसीजर आपको प्रोवाइड किया गया उसके मुताबिक ये रिक्वेस्ट डिज़ाइन की जाती है, ठीक है। और ऑरल होती है या फिर रिटर्न, दोनों मैनर में हो सकती है क्रेडिट रिक्वेस्ट मेकिंग। रूटीन क्रेडिट रूटीन के जो क्रेडिट रिक्वेस्ट हैं उसको देखें कैसे आप मेक करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन रिक्वेस्टिंग क्रेडिट टू गेट एन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। पहले तो एक एप्लीकेशन फॉर्म लें रूटीन की फॉर्मल क्रेडिट रिक्वेस्ट को मेक करने के लिए। सेकेंड स्टेप क्या है, टू सप्लाई द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। फिर उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है वो आप नेम, वट एवर आई डी कार्ड, CNEC, वट एवर जो भी आपसे सीख किया गया आप उसको प्रोवाइड करें। ऑर्डर लेटर्स आर ऑफन कम्बाइंड विद द रिक्वेस्ट ऑफ फॉर क्रेडिट। अब क्रेडिट क्रेडिट की जो रिक्वेस्ट है उसके साथ ऑर्डर लेटर को आप कंबाइन करते हैं, ये बात आपने याद भी रखनी है। बाकी हम इस लिंक पे जाके क्रेडिट जो रिक्वेस्ट है उसकी सैंपल जो हमें प्रोवाइड किया गया आपकी नोट्स में वो भी चेक कर लेते हैं अगर ये ओपन हुआ तो। ये ओपन हुआ है, वो कह रहा है एंटर योर ईमेल टू सब्सक्राइबर, इसको देखते हैं। अच्छा, सैम्पल रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट रिपोर्ट्स इफ़ यू हैव रिसेंटली बीन डिनाइड क्रेडिट। ये सैम्पल रिपोर्ट है, ये तो काफ़ी लंबा सारा है बल्कि ये रिक्वेस्ट है आई थिंक। इसके साथ उसने वो जो लेटर की बात की है वो अटैच नहीं हुआ, वो उसने विद इन 30 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ क्रेडिट एप्लीकेशन द फेयर क्रेडिट रिपोर्टिंग एक्ट रिक्वायर दैट क्रेडिट नोटिफाई। आप इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। क्रेडिट रिक्वेस्ट आप हमने उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये देखें, उसने फॉर्म की बात की थी ना, ये फॉर्म है, ठीक है, ये फॉर्म अटैच है। या उस पर मांगा कि माई सोशल स्टेटस ये है, माई डेट ऑफ बर्थ ये है, करंट एम्प्लॉयमेंट ये है। जैसे उसने कहा ना कि आपका क्रेडिट रिक्वेस्ट के लिए एक फॉर्म आपको मिलेगा वो आप लेंगे, ये फॉर्म है, ये फॉर्म को उस पर उसने फिल किया ऐसे। साथ में उसने जो लेटर वहाँ लिखा हुआ है वो अटैच करना है, वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अटैच करनी है क्रेडिट रिक्वेस्ट के साथ, ठीक है। दैट्स फॉर दिस लेक्चर, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।